परम पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु आज मैं श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंद राज पंचम अध्याय के तीसरे अध्याय का श्लोक 44वां है, जिसमें से सुखदेव जी गोपी के इसका वर्णन कर रहे हैं। तन मन का सदा आलाप तद विचेष्टा सदात्मका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा दारण संस्म। ऐसी भक्त की स्थिति ब्रह्मात्म कहीं बोध में इतनी सहायक है और बोध के पीछे रह सकती है क्या, व्याख्या सहित समझाने की कृपा। ब्रह्मात्म बोध में कितनी सहायक है, ये बात तो इस श्लोक के अंतिम चरण में कही गई है। नात्मा गाराणी सस्मरे, गोपियों को अपना शरीर और अपना घर ये जो संसार की प्रपंच की विस्मृति है, भगवान के प्रेम में मग्न होकर संसार को भूल जाना, ये आत्मज्ञान में निश्चित रूप से ही सहायक है। और दूसरा जो प्रश्न है कि आत्मज्ञान के पश्चात ये स्थिति रह सकती है कि नहीं, तो महाराज आत्मज्ञान तो अपने पीछे ब्रह्मा जी को सृष्टि पैदा करने के लिए, विष्णु भगवान को पालन करने के लिए, रुद्र भगवान को संहार करने के लिए, तत्वज्ञानी के लिए भी त्वापि सहिमान लोकान न अंति न निवद्यते, उस सारी दुनिया का संहार कर डाले तो भी न वो हंता है न बद्ध है। यदि कोई तत्वज्ञानी तत्वज्ञान के अंतर परमात्मा के चिंतन में मग्न हो जाता है तो उसको रोकने वाला तो संसार में कोई नहीं है। तन मनस्का सदा लापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः सैव मनोजासा ताः तन्मनसा। गोपियों ने अपने मन को ढूंढा तो मिले, जब मिले तो कृष्ण ही मिले। गोपी ढूंढ रही है मेरा मन कहाँ है, और श्री कृष्ण सामने मुस्कुराकर बोलते हैं मैं हूं। तन मनस्का तदेव मनोजासा तदालापा सैव आलापो जासा। कृष्ण गोपी कुछ बोलती है, कुछ बात करते हैं, बोले नहीं नहीं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसका बोलना तो कृष्ण है। तद विचेष्टा कुछ चेष्टा कर रही है, वाह उन्हीं की तरह त्रिभंग नरेश गांव में खड़ा होके और बांसुरी को यहां लगा के मुंह पर बजा रही है। तद विचेष्टा सदात्मिका, गोपी की आत्मा कृष्ण, कृष्णो पश्यतगति दलिता मिति तन्मना। राग पंचाध्याय में गोपी कहती है मैं हूँ कृष्ण। आपने कभी वृंदावन में रासलीला देखी हो
और जब गोरे लाल लीला करते हैं, मैं ही हूँ नंद किशोर, और श्री राधा रानी कहते हैं नंद किशोर, और कृष्ण कहते हैं सखी तू नहीं मैं हूँ, गोरे नहीं तू नहीं मैं हूँ, और मैं ही हूँ नंद किशोर। तो गोपी तो अपने तन को, अपने मन को, अपने संसार को भूल कर तन्मय हो जाते हैं। इससे बढ़ के लिए तत्व ज्ञान के लिए और कोई मानसिक स्थिति नहीं हो सकती। तो यदि कोई रासलीला का सहारा लेकर संसार में श्रृंगार चेष्टा करता है और उसमें नारायण फंसता है, फंसाता है, तो वो तो गलत। और कोई तत्व ज्ञान होने पर या होने के लिए इस तरह की चेष्टा करता है तो वो भी गलत। ये दिखाने के लिए नहीं है, फंसाने के लिए नहीं है, ये तो प्रपंच की विस्मृति के लिए। श्री वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण लीला का दो हेतु स्वीकार किया। एक तो प्रपंच का विस्मरण, विस्मरण माने भूल जाना, याद न आना, और दूसरे परमात्मा में आसक्ति होना, भगवान में प्रेमी होना। आत्मा नारायण सत्स्वरूप कहकर इस श्लोक के अंत में ये बात कही है कि इस रासलीला से प्रपंच का विस्मरण हो जाता है, माने दुनिया की याद ही नहीं रहती है। ये और दुनिया की याद न होना तो परमात्मा के चिंतन में बहुत है। क्या आजकल ऐसे भक्तों के दर्शन हो सकते हैं जो गीता के सत्र में श्लोक में बताए हैं कि लक्ष्य की योना है रश्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति सुहासु प्रत्यादि भक्त मान्य समय पर है, ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न का जो पहला हिस्सा है, क्या ऐसे भक्त का दर्शन हो सकता है, आप अपने गुरु को इससे कितना नीचा मानते हैं? जो न दृश्यति न द्वेष्यति न शोचति न कांक्षति, इससे कितने नीचे आपके अभी गुरु हैं कि वो ऊपर उठ जाएंगे तब आपको वैसे दिखाई पड़ेंगे। माने यदि गुरु में आप अपने अपने गुरु में भक्त के ज्ञानी के स्थित प्रज्ञ के लक्षण देख नहीं पाते हैं तो अब आपको अपने गुरु से बड़ा और कौन मिलेगा जिसमें आप ये लक्षण देखेंगे? पहली बात तो ये, इसको सब लोग अपने अपने दिल में तौल लें। अब दूसरा प्रश्न ये है कि आप इस लक्षण को यदि दूसरे में देखना चाहें तो नहीं देख सकते, क्योंकि किसका हृदय आप देख रहे हैं? आप अपने हृदय जब नहीं देख पाते हैं तो दूसरे का हृदय कहाँ से देखेंगे? तो जो न दृश्यति न द्वेष्यति न शोचति न कांक्षति, ये आप अपने हृदय में स्वसंवेद्य रूप से देख सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि यदि आप दुनिया में अपने मन का होना पसंद करेंगे
तो उसके होने पर आपको हर्ष होगा, और यदि कुछ न होना पसंद करेंगे और वो हो जाएगा तो उसे द्वेष करेंगे। यदि दुनिया में किसी चीज से प्रेम होगा आपका तो उसके बिछुड़ने पर शोक होगा आपको। यदि किसी वस्तु से प्रेम करेंगे तो उसको चाहेंगे। इसलिए शुभ और अशुभ का जो भाव है वो मिट जाए, आपके जीवन में समत्व आ जाए। जीवन मरण एक है, नरक स्वर्ग एक है, सुख दुख एक है, प्रपंच का भासना और न भासना एक है, शुभाशुभ परित्यागी। ओहो, परंतु आप यदि दूसरे के हृदय को देखने जाएंगे तो आप अपना हृदय भी भूल जाएंगे और भगवान का हृदय भी भूल जाएंगे। इसलिए ये लक्षण दूसरे में देखने के लिए नहीं है। श्रद्धा से मानना हो तो अपने गुरु में मानिए, और या तो स्वयं इन लक्षणों को अपने हृदय में लाने का प्रयास कीजिए। प्रभु एक भाई पूछना चाहते हैं कि द्वम पद शोध के ऊपर विशेष प्रकार से प्रकाश डालने की कृपा करें। अच्छी बात है। द्वम माने मैं जिसको तुम कहता हूं और आप भी जिसको तुम कहते हैं, दोनों में जो एक है उसी को त्वम बोलते हैं। ये त्वम सर्वनाम है। जो सर्वनाम होता है वो किसी एक शरीर को सर्वनाम शब्द से नहीं बोला जाता। सब लोग अपने को मैं बोलते हैं, सबको हम लोग तुम बोलते हैं, सबको ये बोलते हैं। देखो स्त्रियों का तो आपने ध्यान दिया होगा, अपने पति को कभी बोलती हैं वे लोग, वे ऐसा कहते हैं, कभी कहते हैं ये ऐसा कहते हैं, और कभी कहते हैं सब लोग ऐसा कहते हैं। अपनी अपने पति को सब लोग भी बोलते हैं, ये लोग भी बोलते हैं, और वे लोग भी बोलते हैं। तो त्वम माने आत्मा। अब पहली बात आप ये ध्यान में रखो कि आपका जो नाम है वो तो जन्म के बाद रखा गया और सन्यासी होने पर बदल जाएगा। और यहाँ बंबई में आके तो देखा मैंने, ब्याह होने पर लड़कियों का नाम बदल जाता है, खास करके सिंधियों में मैंने देखा नाम बदल जाता है, औरों का तो और ऐसी माया है महाराज कि किसी का नाम अगर राधा पहले से लड़की का तो ब्याह होने पर उसका नाम माया रखते थे। अब अकल की तो बात है। तो नाम बदल जाते हैं, आप गर्भ में से नाम लेकर नहीं आते। और यदि बच्चा होने पर अस्पताल में बदल जाए या कोई विधायक उठा के ले जाए या चोर डाकू ले जाए तो जात का भी पता नहीं चलेगा, संप्रदाय का भी पता नहीं चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भी पता नहीं चलेगा। इसलिए ये नाम और जाति और संप्रदाय और गोत्र ये सब के सब शरीर में कल्पित होते हैं,
शरीर में होते नहीं। देखो, एक लड़की जब पैदा होती बेटी होती है, भाई उसको बहन कहता है, माँ बाप बेटी कहते हैं, चाचा ताऊ भतीजी कहते हैं। उसके भाई का कोई लड़का होगा तो उसको बुआ जी बोलेगा, ब्याह होगा तो किसी की ननद होगी, किसी की भाभी होगी, किसी की पत्नी होगी। अब कहो तो हम गाली देके बोले अच्छा नहीं लगेगा, वो है क्या? वो नानी है कि दादी है कि माँ है कि बुआ है कि भाभी है कि साली है कि ननद है, वो एक स्त्री है क्या? उसके इतने नाम 16 आने कल पे। संसारी लोग इसी में फंस गए, मारी मारी बंधन में आए। पहले के विमल बाबू अब विमलानंद हो गए, पहले के द्वारका नाथ अब प्रबुद्धानंद हो गए, पहले के नटवर लाल अब परमात्मानंद हो गए। इनका नाम उसको याद नहीं है, नहीं मैं बोल रहा हूँ, इनका क्या पहले नाम का वो याद नहीं, कोई लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक बात देखो, जो एक नाम वाली चीज अनेक चीजों से जोड़कर बनाई जाती है वो एक नहीं होती। हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र है, मिट्टी पानी आग हवा आसमान सबको जोड़ जोड़ करके एक शरीर बना है। तो जो चीज जोड़ की बनती है वो अपने लिए नहीं होती, दूसरे के लिए होती है। अनेक पुर्जों से मोटर बनती है या बैलगाड़ी बनती है तो वो मोटर या बैलगाड़ी के लिए नहीं बनती, दूसरे को चलने के लिए बनती है। संघातस्य परार्थत्व, ये एक बैलगाड़ी है, एक लकड़ी का घोड़ा है जिसपे आप चढ़ के बैठे हैं। तो इसमें मिट्टी की प्रधानता से कुछ अंश है, पानी की प्रधानता से कुछ है, गर्मी की प्रधानता से कुछ है, हवा की प्रधानता से कुछ है, आसमान की प्रधानता से कुछ है। मतलब ये कि शरीर में बाहर से रोपी जाने वाली ब्राह्मण बना, क्षत्रिय बना, शैव बना, वैष्णव बना, ये सब बाहर से आरोपित हुए हैं तुम्हारे शरीर में, वस्तुतः तुम नहीं हो। और ये हड्डी मांस आदि अनेक वस्तुओं से बना हुआ जो शरीर है, अन्न रसमय, ये तो नहीं। इसमें जो सांस चलती है वो कभी चलती है कभी नहीं चलती है, कभी मालूम पड़ती है कभी नहीं मालूम पड़ती है, कभी घंटों तक पता ही नहीं चलेगा आपको जागृत अवस्था में कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। जब कोई ध्यान दिलाएगा तब जाएगा, या किसी कारणवश गुस्से में जब तेज हो जाएगी, काम में क्रोध में लोभ में मोह में श्वास की गति तेज हो जाती है, उससे आयु क्षीण होती है। अच्छा, गर्मी घटती बढ़ती है, टेम्परेचर घटता बढ़ता है, आप तो घटते बढ़ते नहीं। खून कभी सफेद होने लगता है कभी लाल हो जाता है, हेमोग्लोबिन और प्रोटीन और क्या क्या बढ़ते घटते रहते, तो ये तो आप नहीं है, आप न घटते हैं न बढ़ते हैं। अब रही बात मन, सोते समय मन का पता ही नहीं लगता है,
अरे बाबा और तो क्या, अफीम खा लेने पर, भांग पी लेने पर, गांजा पी लेने पर, शराब पी लेने पर मन की क्या दशा हो जाती है? ये तो एकदम भौतिक है, पंचभूत से बना हुआ, ये भी आप नहीं है। और बुद्धि लोगों के संग से जैसी बनी है, जैसी जिसकी बुद्धि बनी बन गई है, शिव वाले हैं और विष्णु वाले हैं, राम वाले हैं, कृष्ण वाले हैं, देवी वाले हैं, नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, बचपन से ही जिसके मन में जो बात भर दी गई, जैसी बुद्धि बना दी गई वैसी बन जाती है। आप बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो बनाई हुई है, गढ़ी हुई है। और सोते समय बुद्धि तो सो जाती है, आप नहीं सोते। इतनी देर तक हमको कुछ पता नहीं चला, केवल अज्ञान रहा, ज्ञान की वृत्ति रही, बड़े आराम में रहे। तो मतलब ये है कि आप अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश नहीं है। ये आते हैं जाते हैं, जागृत में स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न में जागृत सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं है। और आप में तो आप रखी हुई, रखा हुआ नाम, मानी हुई जाति, बनाए हुए संबंध, इन सबसे निराले आप त्वम पदार्थ का शोधन कीजिए। मैं कौन, आप अपना अपना पता लगाइए कि नाक वाले, आंख वाले, कान वाले, हड्डी मांस काम आप है कि नहीं। तो ये जो बिना सोचे समझे हमने अपने को मैं मान लिया है, इसी को वेदांति लोग भ्रांति कहते हैं, अविद्या कहते हैं, मान्यता कहते हैं। आप में कौन सी ऐसी विशेषता घुस गई है? तेज से वाक बनती है, अन्न से मन बनता है, जल से प्राण बनता है, और आप तो न अन्न है, न अन्न है, न जल है, और न तेज है। फिर आप हैं क्या? देखो, इसी को कहते हैं कि जैसे कुएं में ही भांग पड़ गई हो। हम दूसरों के बारे में बहुत जानते हैं और अपने बारे में, अपने बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसा ड्राइवर इस मोटर को चला रहा है जिसको मोटर के कल पुर्जे का कुछ पता नहीं है। ये शरीर एक मोटर, इसके मशीन, इसके पुर्जे का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म न यद अध्यात्मविद वेदान ज्ञातुं शक्नोति तत्त्वतः, जो अपने शरीर की मशीनरी को नहीं समझता है वो वेदों का अर्थ भी नहीं समझ सकता। न यद्यात्मविद, न यद्यात्मविद कश्चित क्रिया फलम उपासनोते, जो अपने शरीर के भीतर के रहस्यों को नहीं समझता है वो कर्मकांड का भी अधिकारी नहीं होता है। आपको मालूम है कि आप यज्ञ में जब स्वाहा स्वाहा करते हैं तब उससे धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है? आपको जब क्रोध आता है तो आंख लाल क्यों हो जाती है? आपको मालूम है जब मन में काम तीव्र होता है तो मंथन होके धातु क्यों निकलती है? ये आपको मालूम है?
गुस्से में हाथ पांव क्यों कांपने लगते हैं? ये मालूम है आपने पड़ोसी के बारे में बहुत कुछ जाना है पर अपने बारे में कुछ नहीं जाना है, इसलिए इसका शोधन तीन अवस्था तीन गुण इनका विचार करके पंचीकरण का विचार करके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का विचार करके अन्नमय प्राणमय कोष का विचार करके आप वैकुंठ वाले ईश्वर को जानते हैं ना, कितना जानते हैं? एक नन्हे से बच्चे से पूछो, 5 वर्ष के बच्चे से पूछो, तुम ईश्वर को जानते हो? अरे हाँ। कहाँ रहते हैं? तो अंगुली से ऊपर दिखा देगा। आप सिर्फ उतने ही, 5 वर्ष का बच्चा जितना जानता है ईश्वर के बारे में उतने ही ईश्वर के बारे में जानते हैं, उससे अधिक आपकी कुछ जानकारी हो सो बात नहीं है। तो जब तक हम 3.5 हाथ के शरीर में रहने वाले अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो आधार है, जो उपादान है, जो अधिष्ठान है, जो प्रकाशक है, जिसके सिवाय अनंत कोटि ब्रह्मांड की कोई सत्ता ही नहीं है, उस वस्तु को तब तक जान ही नहीं सकते जब तक त्वम पदार्थ का शोधन नहीं होगा। बल्कि त्वम पदार्थ का ठीक शोधन होगा तो त्वम पदार्थ के रूप में वही निकलेगा। अन्वेष्टव्य आत्म विज्ञान प्राप्त परमातृत्व आत्मनः अन्विष्ट स्यात् परमातैव दोष पापमादि वर्जितः। जब तक आप जिसको ढूंढ रहे हैं उसको नहीं जानते हैं तब तक आपका नाम ढूंढने वाला है, और जब आप उसको ढूंढ लेंगे तो देखेंगे कि जो ढूंढ रहा था वही ढूंढा जा रहा था। बिंदु में सिंधु समान यह सुनिय चरज मति करो, हेरन हार हैरान रहीमन आप ही आप में। तो हेरन हार हैरान रहीमन आप ही आप में, ढूंढने वाला अपने आप में ही खो गया है। जिसको ढूंढ रहा है वो तो वही है। तो एक सज्जन ने ये नियम कर रखा था कि शाम को जब सोए तो नोट कर लेते थे, टोपी कहाँ रखी, छड़ी कहाँ रखी, चश्मा कहाँ रखा, घड़ी कहाँ रखी, और मैं पलंग पर अब सो रहा हूँ ऐसे लिखते। और सो के उठे महाराज, ऊर्जा उठाया, चश्मा मिल गया, टोपी मिल गई, छड़ी मिल गई, कोट मिल गया, परेशान होकर ढूंढे। पत्नी ने पूछा क्या परेशानी है? एक अदद कम, एक अदद नहीं मिल रही। वो कौन है? तो बोले कि पलंग पर जो सोया था वो कहाँ है? तो पत्नी ने जरा प्रेम से कंधे पर थपथपाया, बोले वो ही है। हाँ अच्छा, वो एक पेपर लगा रहे हैं और वो याद दिला रहे हैं कि आज श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जो जयंती है, इस महापुरुष के चरणों में वंदना करके वो पूछना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का आज के भारत वर्ष के लिए कौन सा संदेश है? स्वामी विवेकानंद जी महाराज का संदेश यही है कि जो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है आत्मज्ञान, उसको आप प्राप्त कीजिए। स्वामी विवेकानंद की गुरु भक्ति, स्वामी विवेकानंद जी का वो विचार वैशद्य है, कितना उत्तम विचार, और उनके द्वारा जो सेवा कार्य हो रहा है
वो तीनों ही तीनों बात, उनका ज्ञान भी, उनका उत्साह, उनका साहस भी और उनका विवेक भी और उनके द्वारा चलाई हुई सेवा कार्य जो हो रही है सृष्टि की, वो स्मरण करने योग्य है और अपने जीवन में धारण करने योग्य है। तो आनंद को पत्रिका में जो वैदिकीय सुहासित श्लोक आयुर्वेद ग्रंथ का है अथवा सुहासित रत्न भंडार का है, वो श्लोक है कि अलम हरित किम चैव गायत्री च धीरे धीरे मोक्षारोग्य तपस्कामा चिंते पक्षी जगे। तो ये जानना चाहते हैं ये किसका है, सुहासित रत्न भंडार में ये आयुर्वेदिक ग्रंथ में। देखो आनंद बोध पत्रिका में तो ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी महाराज ने ये श्लोक लिख के दिया था और वो छपा, ये कहाँ का है ये जानना हो तो उनसे आपको पत्र व्यवहार कर लेना चाहिए। और मोक्ष चाहे तो हरि भजन करें और स्वास्थ्य चाहे तो हरितकी का सेवन करें और नारायण धर्म चाहते हो, सर्वविध उन्नति चाहते हो तो गायत्री का जप करें। नारायण यही इसका अर्थ है। और वैसे अध्यापक जी कल हमसे पूछ भी आए थे और मैंने उनको बता भी दिया था, पर संभव है कि ये प्रश्न उन्होंने कल से पहले ही लिख दे दिया। वो वैद्य जी मेरे पास गए थे और पूछ के आए थे। राजा हरिश्चंद्र सत्य की कसौटी पर खड़े उतरने के लिए चांडाल के हाथ लगाने एवं स्मशान पर कर वसूली का दायित्व निभाने लगे। जो स्मशान खास गंगा किनारे था ऐसी किम बदलती बदलतियां हैं, किंतु भागीरथ जो कि वंश परंपरा से हरिश्चंद्र के यहाँ प्रागटित हुए, वो तो बहुत ही पीढ़ी पर हुए, तो गंगा अवतरण तो उनके ऊपर हुआ, तो उस समय पर कौन सी गंगा थी जिसके लिए जो स्मशान काट का हुई। ऐसा है जी कि गंगा तो भगवान के चरणा रविंद के प्रक्षालन से निकली हुई, जब से भगवान है तब से उनका चरणामृत है और वो ब्रह्मा जी के कमंडलों में भी है और शंकर जी की जटा पर भी है और धरती पर भी बैठा रहता है। ऐसा है कि जो गंगा जी का अभिदैव है देवता, वो देवता कभी जागृत होता है कभी सुषुप्त हो जाता है, कलयुग के अंत में सुषुप्त हो जाएगा। तो जैसे शंकर जी और पार्वती के विवाह में गणेश की पूजा हुई तो गणेश जी कहाँ से आए, देवता तो नित्य होते हैं। इसी प्रकार गंगा जी भी देवता होने के कारण वो नित्य हैं और उनका जो आवाहन विसर्जन है वो व्यक्ति के द्वारा हुआ करता है। भगीरथ जी ने गंगा जी का आवाहन किया अपने पितरों के उद्धार के लिए, गंगा जी तो सर्वदा से ही रहती हैं ऐसा मानना चाहिए। और आप समय के बारे में क्या सोचते हैं मुझे मालूम नहीं है, ये काल हमेशा अनादि होता है। अच्छा स्वयंभुव सत्मनु और सतरूपा उनकी तपस्या में और दशरथ राम दशरथ कौशल्या के रामावतार में कितने समय का फर्क है आपने कभी सोचा है?
स्वयंभू मन्वंतर में जो कि पहला था, इस कल्प का प्रथम मन्वंतर था स्वयंभू मन्वंतर, और सातवां मन्वंतर है अब वैवस्वते सप्तमे मन्वंतर है। और एक मन्वंतर सहस्र चतुर्युगी का होता है और एक चतुर्युगी 44,20,000 वर्ष की होती है। 71 चतुर्युगी कहो कि नारायण, 100 चतुर्युगी। अब आप जरा हिसाब लगाइए कि स्वयंभू मन्वंतर से वैवस्वत मन्वंतर का कितना अंतर हुआ और भगवान ने वरदान कब दिया और बेटा कब हुए। तो असल में ये जो काल होता है ये अनादि होता है और वृत्ति प्रवाह से ये नित्य भी होता है, बोला। ये जो गंगा जी पहले हैं कि पीछे हैं, ये तो गंगा जी जब से सृष्टि है तब से है। तो एक बहन पूछ रही हैं कि चाणक्य नीति में ऐसा लिखा है कि यौवनम संपत्ति सर्वोत्तम अविवेकता एकैत मुक्तेना छायाम किम यत्र चतुष्टयः। इन तीनों में से यौवन धन संपत्ति प्रभुता और अविवेक एक भी अनर्थ का कारण है, और जहाँ चारों एकत्र हो जाए तो वहाँ तो कहना ही है। तो इससे हम सत्संगी लोगों के ऊपर क्या असर पड़े? आप अपने को तो पहले बचाइए। सबसे पहले अपने को बचाइए, जवानी का गर्व, धन का गर्व और प्रभुत्व और अविवेक। तो ये चारों में से एक ही बात अनर्थ करने के लिए काफी होती है। जवानी, बिहारी का तो एक दोहा है, एक फींगे चाहने परे बूढ़े बहे हजार, कितने अवगुण जग किए नौवे चढ़ती बार। नाव पर चढ़ते समय या नई उम्र चढ़ते समय कौन अवगुण नहीं करता है? कोई भीग जाते हैं, कोई कीचड़ में फंस जाते हैं, कोई बह जाते हैं, कोई डूब जाते हैं। नौवे चढ़ती बार, नाव पर चढ़ते समय और नई उम्र चढ़ते समय। तो खैर, अब ये तो मालूम नहीं है कि पूछने वाले की जवानी अभी चढ़ रही है कि उतर रही है। धन संपदा तो बंबई में प्राय लोगों के होती है, और प्रभुत्व माने कुर्सी हो, मालिक होना, और अविवेकता माने बेवकूफ होना, बिना विवेक के काम करना। तो नारायण, आप सब सत्संगियों का तो जिम्मा मत लीजिए, हाँ अपने को इन चारों में से किसी का शिकार मत होने दीजिए। एक बार की बात है, हम लोग कल्याण परिवार में थे तो एक सज्जन ने कहा कि आजकल सब लोग बेईमान हो गए। बाबा था, वही काम करता था, बोला सब लोग बेईमान हो गए हैं। तो वहाँ पंडित लक्ष्मण नारायण करते थे, बड़े अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने कहा कि देखो बाबा, अपने बारे में तो तुम्हारा अनुभव है कि मैं बेईमान हूँ, और दूसरों के बारे में कल्पना है। तो सब बेईमान हो गए हैं, ये तो ये कल्पना की बात है, लेकिन अपने मन में बेईमानी हो तो वो आप ठीक ठीक अपने अनुभव से कह सकते हैं। आप अपने को बेईमानी से बचा सकते हैं, दूसरे को बेईमान होने की बात मत सोचिए। ये तो भगवान की लीला ऐसी चलती रहती है।
हर युग में लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आजकल ऐसा हो गया, आजकल ऐसा हो गया। आप सब सत्संगियों का ठेका मत लीजिए, अपने को ठीक कीजिए। और मगर ऐसा करते करते मैं कभी कभी वो मानसिक थकान का अनुभव करती हूँ, क्योंकि दुनिया में स्वार्थ उठता जा रहा है, हरेक अपनी सोचता रहता है, तो कभी कभी अपनी इच्छा को महत्व तो देना चाहिए या अपना मन मारकर मित्रों को खुश रखती जाना चाहिए, इसके लिए क्या है? देखो, दुनिया में अब तक कोई ऐसा न हुआ है न है न होगा जो सबको खुश रख सके। ईश्वर ही सबको खुश नहीं रख सकता है तो आप कहाँ से सबको खुश रख सकते? इसलिए सबको खुश रखने वाली बात तो छोड़ दीजिए, ये है कि आप खुश रहिए और अपनी खुशी का दान करते चलिए। आपके सामने जो आवे उसके खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए, मुस्कुरा के मीठी मीठी बात कीजिए। अगर नाश्ता पानी कराने लायक हो तो उसको नाश्ता पानी कराइए। आपके पास जो आवे उसका खूब आदर कीजिए और अपने को खुश रखिए। ये देवी हृदय की स्थिति एक कुएं तरीकी है, इसमें से भीतर से जैसे कुएं में से पानी निकलता है वैसे भीतर से खुशी निकलती है, बाहर से खुशी डाली नहीं जाती है। तो आप जितना जितना जितनी जितनी खुशी बांटेंगे उतनी उतनी खुशी आपकी बढ़ेगी और लोगों को मिलेगी भी, लोग खुश भी होंगे। और नारायण जिसको आप समझेंगे कि दुनिया के लोग स्वार्थी हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं, चोर हो गए हैं, जिनके बारे में आपकी भावना ये होगी वे आपसे खुश कभी नहीं होंगे, बोला। जब आप सबको स्वार्थी समझेंगे तो आपसे कौन सुखी होगा, कौन खुश होगा आपके ऊपर? तो आप स्वयं स्वार्थी मत बनिए और आप अपने तन से मन से धन से धर्म के अनुशासन के अनुसार जितने लोगों को खुशी दे सकती हैं उनको खुश करते चलिए। जो आपके पास आवे उसका आदर कीजिए, मुस्कुरा के बोलिए, जो झुंझलाइए मत, आंख नीची करके मत बैठ जाइए, मुंह मत फेर लीजिए। जिसको देख करके वो खुश हो जाए इस ढंग से, वैसे जो खुश ना हो उसके आप जाने ही नहीं चाहिए। हो आवत ही हर्षय नहीं, नैनंद नहीं सने, तुलसी कहा न जाइए कंचन बरसे बे। तो आप खूब आनंद में रहिए और दूसरे स्वार्थी हैं कि चोर है कि बेईमान है उनका ठेका सरकार को ले दीजिए, आप क्यों ले दीजिए? आप कोई सरकार थोड़े हैं।